आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट भारत। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को पूछूं बस। चलिए एक नई वीडियो के साथ में फिर से शुरुआत करेंगे। देखिए इस कंपनी का अभी Q4 आने वाला है। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जो बर्गर पेंट का जो वीडियो बनाया था उसे बता चुका हूँ मैं, ये एशियन पेंट का भी Q4 का सेम डे रिजल्ट आने वाला है। इसलिए फिर से मैं इसका भी वीडियो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि इस कंपनी का क्या है, क्या क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अपडेट है, सब कुछ इसके बारे में आपको मालूम पड़ना, बल्कि मैं इसका भी वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। चलिए शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए लोग आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको बिना झंझट के, बिना कोई तकलीफ के आप तक पहुँच सके। इसीलिए और एक बात, लाइक करना भी ना भूलिएगा। चलिए शुक्रिया। हाँ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बस ऐसे ही मैं कह देता हूँ ताकि थोड़ा नहीं, कंपनी के बारे में हमेशा बात करते रहते, थोड़ा बहुत थोड़ा बीच बीच में थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहिए, इसलिए मैं ये बात कहते रहता हूँ मैं हमेशा, ताकि आप जो नए इस चैनल पे आए, पुराने तो वो लोग को सब्सक्राइब तो कर ही दिया ऑलरेडी, जो नए लोग आए उनके लिए कह रहा हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। देखिए एशियन पेंट कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। बर्गर पेंट, एशियन पेंट और कजारा ऐसा सब ये टॉप लेवल कंपनियाँ देखिए, हाई से बात है, खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ मैं, बेस्ट कंपनियाँ ये। और शुरू करते देखिए इसका जो प्रीवियस क्लोज जो 19 जून को जो हुआ था 1622 रुपये क्लोज हुआ था इसका, और उसके ओपन जो 22 जून को जो ओपन हुआ है 1632 रुपये, 1632 में ओपन हुआ और हाई लगा चुका है 1673 रुपये और लो लगा चुका है 1624 रुपये, 1624 रुपये इसका लो है आज का 22 जून का। और इसका वीवीआईपी इंडिकेटर के हिसाब से देखिए शो कर रहा था इसने 1650 रुपये इसका वीवीआईपी इंडिकेटर शो कर रहा था। और देखिए 52 वीक हाई है इसका 1915 रुपये और 90 पैसे, 52 वीक हाई इसका 1915 रुपये और 90 पैसे इसका 52 वीक हाई है। और इसका 52 वीक लो देखा जाए तो 1291.45 पैसा इसका, इसका 52 वीक लो है इसका। और नीचे चलते हैं देखिए तो 2 वीक एवरेज क्वांटिटी की बात करेंगे तो 0.61 का है, और इसका टर्नओवर के बारे में बात करेंगे तो 8.81 करोड़ का इसका टर्नओवर है। और इसका मिड कैप देखेंगे तो करोड़ में इसका 1,58,598 करोड़ इसका मिड कैप है, बहुत बहुत पैसा है भाई कंपनी के पास। और इसका फेस वैल्यू कितना, जस्ट 1 रुपीज़ है कंपनी के हिसाब से, सही बराबर है भाई 1 रुपया। और इसका पी रेशियो देखिए नीचे 59.14% पी है, यानी कि बेस्ट एंड बेस्ट है, बेस्ट 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 है, समझिए कुछ भी नहीं बोल सकता इसके आगे मैं इसके बारे में, यहाँ तक इतना यहाँ तक कंपनी अच्छी है ये। और कैटेगरी देखिए लिस्टेड है और ग्रुप ए कैटेगरी में आता है और इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स में आता है इसका, और इंडस्ट्री सेम फर्नीचर फर्निशिंग पेंट्स के इसका ऑपरेट करती है कंपनी इसका। और नीचे चलते देखिए इस कंपनी को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। और इसका अनाउंसमेंट देखिए, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी हो चुका है, जो 6 जून को हो चुका हुआ है, और कॉर्पोरेट एक्शन बोर्ड टू काउंसिल डिविडेंड के बारे में हो चुका है 5 जून को हो चुका है, और बोर्ड मीटिंग का भी हो चुका हुआ है इसका, सॉरी बोर्ड मीटिंग होने वाला है 23 को, यानी कि कल होने वाला है मीटिंग इसका बोर्ड मीटिंग। और इसका इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ भी इसका मीटिंग हो चुका है 25 मई को, और इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी के साथ भी इसका मीटिंग हो चुका हुआ है 5 मई को। और सर कॉर्पोरेट एक्शन में देखेंगे इसका डिविडेंड कब कब दिया उसके बारे में, शायद इसने डिटेल दिया नहीं दिया देखेंगे, हाँ दिया इसने देखिए 2020 में भी डिविडेंड दिया, मार्च में दिया हुआ है, 2019 में भी दिया हुआ है, 2019 में दो बार दिया, एक इंटरियम डिविडेंड दिया है, एक फाइनल डिविडेंड दिया है, दो बार दिया है, और 2018 में सेम है, और इस साल भी शायद इसी महीने या अगले महीने शायद देंगे ये लोग। और देखिए नीचे रिजल्ट में देखिए बल्क में शायद कुछ नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है बल्क के अंदर। और नीचे चलते रिजल्ट इसका जो लास्ट जो Q3 का और Q2 का रिजल्ट आया था उसके बारे में डिटेल दिया, कंपनी प्रॉफिट में शो है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखा गया तो, और लास्ट फाइनेंशियल के भी फुल प्रॉफिट में है कंपनी, तो इस साल भी शायद बोल नहीं सकता मैं, कुछ भी हो सकता है, अब मैं इससे पहले कुछ भी नहीं बोलना चाहता, मैं कुछ बोल दूँगा कुछ वहाँ और आएगा तो फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता अपने इससे, वो आएगा तभी देखेंगे जानेंगे उसके बारे में, लेकिन कंपनी बेस्ट है, ओवरऑल कंपनी बेस्ट है। मनीष देखिए और इसका जो उसको जो है ना 11 पे आ गया 14 में से, यानी कि लास्ट 3 मंथ में जो है ना 3% जो है ना गिर गया है, 3 पॉइंट गिर गया,
यानी कि 14 से 11 पे आ चुका है, इसलिए पॉजिटिव 11 में ही है, माइनस में तो नहीं है, 11 में है, प्लस 11 में है समझे। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, वाओ ये तो भयंकर, प्रमोटर्स के पास भी 52.79 है, यानी कि ऑलमोस्ट 53% शेयर उन्हीं के पास है, और 47.21 हम सबके पास है, यानी कि रिटेल, FIA, DII, म्यूचुअल फंड सभी आउट ऑफ जो इंडिया के जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके सभी के पास जो ना 47% शेयर ही हम सबके पास है, बाकी सब 52.78% प्रमोटर्स के पास ही ये शेयर, यानी कि बेस्ट टॉप लेवल की कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और टेक्निकल में देखें, टेक्निकल में शायद मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, और नीचे चलते आज के डेट में जो डिलीवरी पोजीशन हुआ है, डिलीवरी कर चुके हैं इसमें, देखिए क्वांटिटी दिया हुआ है 53,386 क्वांटिटी दिया हुआ है, और उसका डिलीवरी क्वांटिटी कितना है 12,862 उसका डिलीवरी डिलीवरेबल क्वांटिटी है इसका, और उसका जो परसेंटेज देखेंगे तो 24.9% का परसेंटेज है। और देखिए एशियन पेंट के साथ में दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर किया गया हुआ है, वही मैं जो लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जो इसीलिए मतलब इसी फील्ड में जो कंपनी है वही कंपनी के साथ में इस कंपनी को कंपेयर किया गया है, कैसी कंपनी मिलकर, ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा ये नहीं है, नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं है, जो उससे जिस कंपनी से कंपेयर किया गया है वो भी कंपनी बहुत ही अच्छी है, जैसे कि बर्गर पेंट को कंपेयर किया गया है, कसानियर को कंपेयर किया गया है, और कजा राइसर को कंपेयर किया, यानी कि ये कंपनी भी छोटे मोटे कंपनी बहुत बड़े बड़े कंपनी है भी, उनका भी जो ना हर उनका भी जो रिजल्ट आता है Q4 क्या Q3 सब कुछ जो है ना बेस्ट ही आता है। देखिए कसानियर का जो ना मार्च 20 का रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी, उसका देखो 988 करोड़ का इसका जो है ना प्रॉफिट सेल्स दिया हुआ है, इसने सेल्स शो कर रहा है, एक अच्छी कंपनी है उसका। एशियन पेंट का जो है December 19 में जो ना 4,656 करोड़ का एक सेल्स है, और बर्गर पेंट का भी 1,501 करोड़ का इसका भी सेल्स है। और एक बात, बर्गर पेंट का भी जो है ना इसका भी Q4 आने वाला है, यानी कि कल या परसों आने वाला है, मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, चाहे तो जो लोग जिसको नहीं मालूम उनको बता रहा हूँ मैं, इसी भी कंपनी का ये दोनों कंपनी का आने वाला है, एशियन पेंट और बर्गर पेंट का दोनों का भी Q4 आने वाला है, आप चाहे तो देख सकते हैं, इसलिए दोनों वीडियो को बना के आपको शेयर कर रहा हूँ मैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही बस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, जैसे इसका Q4 बहुत अगर जल्दी आया कल तो मैं इसके वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, अगर डिले हो चुका तो आप जो ना रात में इसके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं Q4 के बारे में, आपको डिटेल इसका मालूम पड़ जाएगा। अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप खाली क्यों ना एक दिन पहले बोल देते कि कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, और नेक्स्ट डे जिस दिन आएगा उस दिन जो है ना आप लोग बना के डालते नहीं वीडियो, भाई मैं उनको बता उनको बोलना चाहता हूँ कि देखिए भाई कभी कभी क्या होता है जो ना कई कंपनी का रिजल्ट जो है ना बहुत जल्दी आ जाता है ऑनलाइन के ऊपर, तो उसमें जरा जब जल्दी आए तो अपने को थोड़ा मौका मिलता है बना के डालने के लिए, अपने को टाइम मिलता है। अब कभी कभी कोई कंपनी के अंदर बहुत बहुत देर से आता है, वो बनाते के रात हो जाती है वीडियो, तो इसलिए क्या रात में शेयर करके फ़ायदा नहीं आप लोगों को, इससे मैं क्या उस टाइम डालूंगा तो आप देख भी नहीं पाओगे, इससे फ़ायदा नहीं डाल के, इससे मैं बना के शेयर नहीं करता हूँ। अगर जल्दी आया तो चार बजे तक आया तो क्या मैं बना के शेयर करूँगा तो आप लोगों को उसके बारे में मालूम पड़ जाएगा, इसलिए मैं बना के डालता हूँ। अगर जब रात में आएंगे उसका रिजल्ट ऑनलाइन पे तो मैं बनाऊंगा कब डालूंगा कब और आप देखेंगे कब, आप देखे देखे तक टाइम ख़त्म हो जाता फ़ायदा नहीं रहता, इसलिए अगर डिले हो गया तो आप लोग जो है ना ऑनलाइन पे इसको सर्च कर सकते हैं। इसलिए मैं एक दिन पहले बना के डाल रहा हूँ इस कंपनी का Q4 आने वाला है, तो आपको आइडिया मिल जाए हाँ ये कंपनी का Q4 आने वाला है, आया तो मज़ा आ जाएगा, इससे आप लोग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस चीज़ का मैं। चलिए बस से, और जो पहली बार मेरे चैनल पर आई है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ बिना किसी इसके टेंशन के आप तक पहुँच सके। और हर एक मेन ज़रूरी बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ आखिरी में, जो नए इस चैनल को देख रहे हैं, देखिए भाई स्टॉक मार्केट में आने से पहले आप स्टॉक मार्केट सीखिए, उसको टाइम दीजिए, 15 दिन 1 महीना 2 महीने टाइम दीजिए, उसके बाद आप पैसा लगाइए। अगर आप बिना सीख के एंटर करेंगे तो आप ही का लॉस होगा, किसी दूसरे का लॉस नहीं, सिर्फ आप ही का लॉस होगा, क्योंकि देखिए भाई पैसा चले गया तो कुछ नहीं कर सकते, जाने से पहले आप कुछ कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं आप सीख सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट सीखिए उसके बाद आप एंटर कीजिए, 100% आपको प्रॉफिट होगा। अगर बिना सीख के आएंगे तो आपको 0 प्रॉफिट होगा, ऊपर से आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ फर्स्ट लर्न सेकेंड एन, यानी कि पहले सीखो बाद में कमाओ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत सारे प्यार आ रहा है मुझे मेरे वीडियो के ऊपर, जो लोग बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा है मेरी वीडियो के ऊपर, लाइक कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं फिर से नए वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।